Ready? वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक नए व्लॉग लेकर आई हूँ, ब्रांड न्यू व्लॉग, जिसमें है आज मेरी एक और बेटी किस्वा, जो कि मेरी इरम भाभी की बेटी है, उसकी है बर्थडे पार्टी, जिसके लिए मैंने बहुत 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 सारे गिफ्ट्स मंगवाए हैं। तो मैंने कहा मैं ये व्लॉग शूट भी कर लूं और जो हम लोग बर्थडे जो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे उसको रिकॉर्ड करूं, आप लोगों को दिखाऊं हम लोगों ने कितना एंजॉय किया, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। तो इस वक्त बर्थडे कल है, संडे को मैं ये व्लॉग शूट सैटरडे नाइट कर रही हूँ। मैं आप लोगों को, मैंने कहा आप लोगों को पहले गिफ्ट दिखाऊं कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। और किस्वा के साथ साथ था बुरहान और अबीरा का भी बर्थडे, जिसके लिए मैंने उनके लिए उस गिफ्ट्स नहीं मंगवाए थे, क्योंकि जो मेरी तबीयत सही नहीं थी और मैं थोड़ी एक्टिव नहीं थी, जिस वजह से मैं मंगवा नहीं पाई। तो मैंने बुरहान के लिए जो गिफ्ट मंगवाया है, सबा के बेटे के लिए, वो मंगवाया है। इतना क्यूट सा ये वैक्यूम क्लीनर है और ये बिल्कुल ओरिजिनल टाइप बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे सेल डलते हैं, वैक्यूम होते हैं, तो वैक्यूम क्लीनर ये बहुत ही अच्छा एक प्ले होम विद लॉट्स ऑफ फन। ये मंगवाया है, अगर हम पानी डाल देंगे सूख जाए, नहीं सूख नहीं जाएगा, इससे सारी डस्ट अंदर आती है। और सेकंड जो है मैंने अबीरा के लिए मंगवाया है, ये डॉक्टर बॉक्स मंगवाया है अबीरा के लिए, और ये 3 एयर प्लस है, ये देखें आप ये कितना अच्छा है। और सफन आपने खोल दिया, तोड़ दिया, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सारे गिफ्ट शो करवा दी। ये मैंने बुरहान के लिए मंगवाया है, ये मैंने अबीरा के लिए मंगवाया है, ये डॉल इतनी क्यूट सी जो है, ये मैंने 2 मंगवाई थी, ये एक मैंने किस्वा के लिए मंगवाई, इतनी क्यूट डॉल है ये जो है, इसकी हर ये जो ये है हैंड वगैरह हर चीज़ जो है इसकी फोल्ड होती है, बिल्कुल कंप्लीट आप इसको मूव कर सकते हैं। और ये एजल की डॉल ही है। और किस्वा के लिए एक मैंने ये गिफ्ट मंगवाया है, और एक ये गिफ्ट मंगवाया है किस्वा के लिए, और एक वो गिफ्ट मंगवाया है, एक सबूर दे देगा, एक सफ़ान दे देगा, एक एजल दे देगी, और एक जो है कोई भी दे देगा। और सेकेंड जो मेरा मेन गिफ्ट है वो मैं आप लोग को शो करवाती हूँ, ये देखिए एक मैंने ये मंगवाया है, लर्निंग फन रॉक इन राइडिंग ग्राफ जिराफ, तो मैंने ये मंगवाया किस्वा के लिए। अनफॉर्चुनेटली प्लान कुछ ऐसा हुआ कि जो मैंने मंगवाया किस्वा को गिफ्ट देने के लिए, इरम भाभी ने भी वही किस्वा के लिए बोल दिया कि ये लेकर आना, और वो एक ही लेकर आया, तो जाहिर है एक ही बच्ची को देना था, तो वो ज़्यादा जो लेने के लिए गए थी सामान वगैरह वो एक ही लेकर आया कि भाभी के एक ही, दोनों ने अलग अलग बोला था लेकिन चीज़ एक ही बोली, तो वो एक ही लेकर आया। अब मसला ये आ रहा है, भाभी कह रही है नहीं मैं अपनी बेटी को अपनी तरफ से दूँगी, और मैं बोल रही हूँ नहीं भाई ये मैंने देना। फिर मैंने उनको थोड़ा बहुत पटा कर ये मैं गिफ्ट ऊपर लेकर आई, नहीं भाभी के मुझे देने दो, मैंने देना है, हाँ तो आप ही के पास ही रहा है ना, एक ही घर है, मैं दूँ या आप दूँ, इसमें कौन से इतनी बड़ी बिग डील है। तो ये सारे गिफ्ट्स इतने अच्छे जिससे मेरे दोनों बच्चे का दिल लुभा रहे हैं ये लोग के मम्मा हमारे लिए कुछ नहीं आया। तो खैर कुछ नहीं होता, अपने बच्चों के लिए तो गिफ्ट हम लोग लेते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। तो ये सब यस ओके, मैं आपको बाद में मंगवा दूंगी। तो ब्लैंकेट वगैरह इसलिए फैला हुआ है, रात हो रही है, रात पे शूट कर रही हूँ, ये नहीं करिएगा कमरा इतना बिखरा हुआ है, इसलिए जो है रात पे शूट कर रही हूँ, तो ब्लैंकेट वगैरह भी फैला हुआ है, जाहिर सोना है अब। तो आगे का व्लॉग आप मेरे कल देखेंगे, कल जो मैं शूट करूँगी। यस आप तो ये मनवा दूँ, होते मैं आप तो मनवा दूँ, सही है सब है। तो कल का व्लॉग मैं कल फिर शूट करूंगी, देखते हैं हमारी बर्थडे पार्टी कैसी रहती है। हो चुकी है सुबह, सुबह तो हुए बहुत ज़्यादा ही देर हो चुकी है, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है, और अब हम चारों किचन में ऐसे मसरूफ हुए। अरे छोड़, एक बना रही है कोरमा, जो कि इस वक्त दोपहर की डिश के लिए है, क्योंकि रात का तो मेन्यू ही अलग है, क्योंकि हमारी बर्थडे है। ये कोरमे की प्याज खाली हो रही है, निकल रही है ताकि उसको पीस लिया जाए। एक गूंद रही है आटा, कांग गया आटा, एक गूंद रही आटा,
और दूसरी तीसरी जो है हमारे ढेर सारे एज यूजुअल बर्तन धो रहे हैं। आप बर्तन देखें हमारे, माशाल्लाह कैसे लगता है हमारे यहाँ बर्तन ना उछल उछल के बोलते हैं हमें भी धो दो, हमें भी धो दो। तो यहाँ पर भाभी जरा साइड में होगा, आप बर्तन देख रहे, ये यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं ये वहाँ तक सिर्फ बर्तन ही बर्तन धुलने वाले पड़े हैं, जो कि वॉश कर रही है इरम भाभी, सबक कोरमा बना रही है, मैंने पीछे से सारा किचन समेट दिया और मानूर रोटियों की तैयारी कर रही है, और बच्चे जो है अभी तक गंदे संदे पड़े हैं, हम लोगों ने किसी को भी नहलाया नहीं, साफ नहीं किया, घर की सफाई में भी लगे हुए हैं कि क्योंकि शाम में हमारी इतनी प्यारी सी परी की बर्थडे है। तो इस वक्त जो है हमारा थीम भी सेलेक्ट हो चुका है, मतलब जो हमने बर्थडे थीम हमने टेडी बियर के हिसाब से रखा किस्वा का, जो हमें ये खुद ही एक भालू सी बच्ची है, ये देखे और इस वक्त ये देख रही है, कहाँ किस्वा कहाँ देख रही हो आप, कहाँ देख रही हो आप, बर्थडे गर्ल बर्थडे गर्ल किस्वा, हेलो करो, हेलो से हाय 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 हाय। तो इसकी आज हमारी प्यारी सी मुन्नी की बर्थडे, हमने टेडी बियर का किस्म रखा है, सॉरी मेरी तबीयत सही नहीं है, तो जो है फिर उसके बाद हमने जो पीछे की वॉल जो डेकोरेट कर देगा, वॉल जो डेकोरेट करने का घर है, तो वो भी टेडी बियर हमने ऑर्डर मतलब उसको बुक करवा ली है, वो आप 5 बजे तक आ जाएगा, वो भी सारी प्रिपरेशन मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं आप लोगों को अपनी प्यारी सी प्रिंसेस का दिखा दूँ उसके ड्रेस का हमने क्या लेकर है, ये देखें इतना खूबसूरत सा क्राउन, तो ये इतना खूबसूरत सा इसका क्राउन है, किस्वा किस्वा दिखाओ, आहा रुको 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 हाथ उठाओ इसफान, किस्वा किस्वा, ओए ये निकल गया समावे है किसका, नो सफान नो नो डॉगी डॉगी को बुलाऊं, ये देखिए इतना प्यारा सा, और मैं अब आपको इसकी ड्रेस दिखाती हूँ, ये देखें ये पकड़ो, और ये इसका क्यूट सा ड्रेस है, इतना खूबसूरत सा फेरी ड्रेस, ये खुश हो रही है वीडियो देखकर, किस्वा ये किसका ड्रेस है, किस्वा का, ये देखिए इसकी डिटेलिंग जी अच्छा लग रहा है, ये ड्रेस है, और ये इसके खूबसूरत से शूज, किस्वा शोमी, ये देखिए ये इसके शूज हैं, तो ये इसकी पूरे ड्रेस से, ये इसका क्राउन, ये इसका ड्रेस और ये इसके शूज, और बहुत सारे इसके बर्थडे गिफ्ट्स जो हैं हम लोगों ने अरेंज करे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस रूम में हो रहा है हमारा डेकोरेट जो बर्थडे पार्टी है, तो अंदर सबूर जा रहा है और पूरा ओवरव्यू आप लोगों को दिखाएगा कि कैसे कैसे ये लोग स्टार्टिंग हुई है, उसके बाद मैं फिर आप लोग कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। फाइनली हमारी डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, यू कैन सी दिस, ये हमने लाइटिंग वाला हैप्पी बर्थडे का लगाया है, और ये है टेबल जिसमें हम केक रखेंगे, और हमारा थीम टेडी बेयर में था, बट हमें टेडी बेयर अवेलेबल नहीं थे तो हमने पांडा लगा दी, क्योंकि हमारा केक टेडी बेयर का था, सबूर आया सामने से हटो हटो ना, तो ये हमारी कंप्लीट डेकोरेशन, और ये हैं हमारे डेकोरेट करने के अल मुस्तफा,
इन्होंने और इन्होंने मिलकर ही सारी डेकोरेशन करी है जो कि बहुत ही लाजवाब है। किस्मा का नाम उधर लिखा है। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और ये है मेरा आज का आउटफिट बर्थडे पार्टी के लिहाज से। इसमें इसके साथ नेट का दुपट्टा है और ये लॉन पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है पूरी। और ये मैंने इयर रिंग्स वेयर करे हैं, इसमें सेम मैचिंग मिल रहे थे। यहाँ पर सारे बच्चा पार्टी बस केक आने का वेट कर रहे हैं। हमारी पार्टी अब शुरू हो चुकी है जी। और यहाँ पर हो चुकी हैं हमारी प्रिंसेस भी रेडी। किशवा कहाँ को लियो, खड़ी हो के दिखाओ, कितनी प्यारी लगेगी देखा। किशवा खड़ी हो, किस्मा कैसी लग रही है। यहाँ पर मेरी और यहाँ पर ये बर्थडे गर्ल की मम्मा है, इनका ये आउटफिट है, इन्होंने फ्रॉक वेयर करी है। और ये मेरी देवरानी जो है इनके बाल रोलिंग कर रही है, इन्होंने अभी चेंज नहीं करी ड्रेस। वही है ना, बता दियो ना, सब कहेंगे ये क्या पहनी हुई है। और इनका हो रहा है फोटो सेशन। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे आ चुकी है हमारी बिरयानी की डे। ये है हमारा मजेदार चाउमीन किचन समावे यूं एक। अरे एक मिनट, वो ले रही हूँ बस अंकल। और ये हमारा यहाँ पर सबको दिखाई जा रही थी कि सब क्या क्या कर रहे हैं, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा था, इतना शोर हो रहा था कि मुझे और आपको कमेंट लाजमी करेंगे कि इतना शोर होता है ब्लॉग में कि बस। यहाँ पे रिशा जी जो है केक कटिंग कर रही थी, सबको देती जा रही थी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे फरहान से केक खाने में लगे हुए थे बड़े मजे से। मैं कह रही हूँ वीडियो बनवा दे, क्या नहीं हूँ इसको। मैंने आज ब्लैक फ्रॉक वेयर करवाई है। हेजल आप कैसे लग रहे हो नीचे? यस, होल्ड माई हैंड, गुड। यहाँ पे आ चुके हैं चीज बॉल्स और बॉम्ब टॉन्स। स्नैच हो जाए क्या है? ये चीज बॉल्स और बॉम्ब टॉन्स। खाना हमारे यहाँ उसमें बर्थडे में खाना वगैरह से पहले खा लिया गया है। और ये चीजें केक हमारे लास्ट में कटेगा। चलो 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 चलो। और ये आ रहा है हमारा ब्यूटीफुल सा केक। मुझे बा मुंह पीछे करो, केक में गड़बड़ी हो गई है, वन लगाना था और इन्होंने थ्री लगा दिए। मैं जलाऊंगी। स्प्रे नहीं आए। अरे छुड़ी आ गई। यहाँ पे अब जलने लगी है हमारी कैंडल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं समाविया, पूरा केक खराब करना चाहिए। खराब हो गया, ये हमारी टीम का केक है। मैं अभी सब जने खिलाएंगे, फिर देंगे। लड़की
की आयत की बच्ची अभी गिर जाता। आप भी छोड़ो ये ना, सब गिर जाएगी। गिफ्ट का सेशन शुरू हो चुका है, जो कि दुकान से आके इतना थक जाते हैं, उतना मुनासिब नहीं समझते। यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे आवाज़ को म्यूट कर कर अपनी वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो यहाँ पर ये मैंने जितने भी किस्वा को गिफ्ट दिए थे, तो भाभी और काशिवे के साथ, वो सारे गिफ्ट के साथ इन लोगों के साथ खड़े होकर हम सब पूरी फैमिली, मतलब मेरी पूरी फैमिली में किस्वा को से गिफ्ट्स दिए और अच्छे से एक वीडियो बनाई। मेरी सास भी वहीं पर ही, हमने साथ उनको बिठाया हुआ था ताकि वो भी, मतलब क्योंकि मेन है और बड़ी हैं, तो वो भी हर वीडियो में आए। अल्लाह ताला उनका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रहे, क्योंकि वो हैं तो सब है, वरना कुछ भी नहीं है। खैर, यहाँ पे फिर मैंने और फरहान ने किस्वा के साथ फ़ोटो सेशन करवाया। यहाँ पे किस्वा क्राउन इतना एक तो हैवी था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और पहन नहीं पा रही थी, बट उसके साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। फाइनली यहाँ पे सब एंड अप होने वाला है, पूरा ये सब बच्चे कार्ड कबाड़ा कर, वो बॉक्सेस वो वापस जाएंगे। भाभी ये किसने करा है? ये आप बॉक्सेस देखें, ये वापस जाएंगे और बच्चों ने इनकी क्या हालत मचा दी है, ये देखिए। खैर जो भी है, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे, हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और ये देखें कब तक सजा रहता है, और यहाँ पे हमने बिरयानी भी खा चुके हैं, वॉन्गटॉन्स भी और चीज़ बॉल्स भी। किस्वा साहिबा ने इतनी प्यारी फ्रॉक में मेरी ननन जी पे पॉटी कर दी है। ये था आज का मोस्ट फेवरेट सेलिब्रेशन। यहाँ रात के इस वक्त 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग जो है अब एंड कर रही हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी इतनी प्यारी सी छोटी सी किस्वा की बर्थडे पार्टी? वो सब हमारे घर में इस वक्त सबसे छोटी है, तो सबसे, मतलब सारे बच्चे छोटे छोटे हैं लेकिन एज वाइज सबसे छोटी है, तो ज़्यादातर लाड प्यार सब उसी पर ही लुटा रहे होते हैं, क्योंकि जो सबसे छोटा बच्चा तो उसकी हरकत भी, छोटे छोटे बच्चे जब चलना सीख रहे होते हैं, फर्स्ट स्टेप लेते हैं, उसके बाद ऐसा लगता है पाँवों में तो उनके पहिए ही लग चुके हैं, तो ये सब हरकतें देख कर इतना, कभी थकन भी हो जाती है पकड़ पकड़ कर, और कभी कभी इन लोगों पर इतना प्यार भी आ रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लोग की फैमिली, अल्लाह ताला हम लोग की फैमिली की जो बॉन्डिंग है इसी तरीके से बनी रहे। हम लोगों ने आपस में ही गेट टुगेदर, मतलब बर्थडे सेलिब्रेट कर दी, जिसमें इतना अच्छे से डेकोर किया, हम सब अच्छे से तैयार हुए, भाभी मैं सबा और मानूर और हज्जन रेशमा जी की फैमिली, तो हम सब बहुत अच्छे से तैयार हुए, हमारे हस्बैंड और हम लोग की, हम लोगों ने बहुत अच्छे से ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे हम सबने मेहमानों को इनवाइट किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, हमने घर ही घर में सेलिब्रेट करी थी और सिर्फ हम ही आपस में करी थी, किसी को ऐसे कोई इनवाइट बाहर से नहीं थे। और यही हमारी छोटी सी फैमिली है, छोटी सी नहीं माशाल्लाह से बहुत बड़ी सी प्यारी सी फैमिली है, जिसमें हाफ लोग तो बिल्कुल ही नहीं आए थे, सिर्फ सिर्फ घर में जो रहते हैं वही लोग थे। तो आप लोग बताएगा आपको हमारी बर्थडे पार्टी कैसी लगी, डेकोरेशन कैसा लगा, मैं कैसी लगी और मेरी किस्वा एजल हम सब कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आज का मेरा व्लॉग मेरा यहीं पर ख़त्म होता है, आपके प्यार आपकी मोहब्बत के साथ मेरे साथ रहिएगा, हमेशा मेरा व्लॉग देखते रहिए, वॉच करें, सब्सक्राइब करें।
जी एक आप लोग की सरप्राइज है, तो वो सरप्राइज का पूरा एक व्लॉग बनाऊंगी मैं, तो उस व्लॉग का आप जरूर इंतजार कीजिएगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो कर दें, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।